उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, किस किस्म और किस पैमाने पे इस साल ऑर्गेनाइज़ किया होगा, दो साल कोविड के चक्कर में नहीं कर पाए। मगर आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि ये हमारा 26th ईयर है और परदेशी सर आउट हियर, इनको पूरा मैं श्रेय देता हूँ इस बारे में कि इन्होंने इस बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसे इस साल की और उतने ही बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं वाकई ज़रूर ये भी कहना चाहूँगा कि पूरा मैं चल के जब गया, देखे सारे स्टॉल्स हमारे, किस किस्म से हमारे लोगों ने एक मैसेज पूरी कल्चर के लिए के ज़रिए एक मैसेज फैलाने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत छोटे छोटे प्रेजेंटेशंस करके हमारे बच्चों तक, हमारी युवा पीढ़ी तक कैसे एक बहुत बड़ा मैसेज फैलाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे वाकई में बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं आभारी हूँ अजय पॉल सर का और प्रशांत जी का जो जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज यहाँ पे आ पाऊँ। और वाकई में परदेशी सर, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, समय निकाल के आए। बिल्कुल नहीं, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज की युवा पीढ़ी के लिए ऐसा एक मैसेज फैलाना और ऐसे इवेंट के ज़रिए हम हमें एहसास नहीं होता, बट वाकई में छोटे जब बच्चे होते हैं बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल उम्र होती है। मेरी खुद की बेटियाँ आती है और तो अगर ऐसे इवेंट में अगर मेरी बेटी आई, उसको मालूम पड़े अहमियत पेड़ पौधों की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम सब एक ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं जहाँ इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, बट इसी समय ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारी युवा पीढ़ी में, हमारी यंग जनरेशन में एक मैसेज फैलाएं कि पेड़ पौधे कितने मायने रखती है। तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि आज मैं यहाँ पे परदेशी सर के साथ हूँ और ये बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट है जिसे हम सभी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए। बस मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा BMC का और जितेंद्र परदेशी सर का कि इन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है यहाँ पे, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं टू मेक मुंबई इनटू अ ग्रीन मुंबई। सो ऑल ऑफ यू पीपल आउट देयर, प्लीज़ जहाँ पे भी आप रहते हो आसपास अगर कोई जगह हो तो प्लीज़ प्लांट ट्रीज़, अगर वो जगह नहीं है आपके पास वहाँ पे आसपास जहाँ पर रहते हो तो घर के अंदर आप प्लांट्स रखें एंड हेल्प इंक्रीज एंड द एयर क्वालिटी, इम्प्रूव द एयर क्वालिटी ऑफ मुंबई, बिकॉज इट्स इन द लास्ट मंथ तो सो हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी मुंबई की ऑलमोस्ट एज बैड एज दिल्ली है। सो इट्स अ नीड ऑफ द आवर, आई एम्प्लॉय ऑल टू प्लीज 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 प्लांट मोर ट्रीज। 17 February को सेक्टर बालाकोट फिल्म रिलीज हो रही है, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। बॉम्बे में बहुत पॉल्यूशन है और ऐसे इवेंट होने चाहिए, ग्रीन मुंबई होनी चाहिए, ज़्यादा इवेंट करिए। BMC को पूरा हमारा सपोर्ट है, कुछ भी हम कर पाए वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। मलेशिया तो जिस सिटी में मैं रहता हूँ पूरी सिटी गार्डन है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ एंड आई विश कि हम भी यहाँ पे ज़्यादा पेड़ लगाए और वैसा ही एटमोसफियर यहाँ पे भी हो। होगा और मैंने इनको कहा है कि मैं इनका सपोर्ट करना चाह रहा हूँ और जब भी ये प्लांटेशन ड्राइव करेंगे तो मैं जाऊँगा उनके साथ और जहाँ पे भी जगह होगी मैं पेड़ लगाऊंगा उनके साथ। मैंने बांद्रा के एरिया में 4 पेड़ लगाए जो अभी 10-12 साल पहले जो अभी ऑलमोस्ट 6 माले के ऊपर गए हैं। मैंने एक पेड़ वोली के एरिया में भी डाला था 3 साल पहले, वो अब थोड़ा सा बच्चा है। और टाउन में भी, मरीन ड्राइव पे भी मैंने 2-4 पेड़ उगाए हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड टू मेक दैट एफर्ट अगर हम चाहें कि हमारे जो आगे की पीढ़ी है डजंट सफोकेट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट वी प्लांट ट्रीज, क्योंकि आबादी तो बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो बिल्डिंग्स और आएंगे एंड विद दैट मोर ट्रीज अगोन वी कट। सो इट्स आर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम और पेड़ लगाएं। प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज़ अ नीड ऑफ द आवर। और हाँ, प्लीज़ वॉच सेक्टर बालाकोट 17 February को इन थिएटर्स इन अ सिनेमा नियर यू। बहुत यूनिक थी इनफैक्ट द वे दे हैव डन द डिस्प्लेज ऑफ ऑल द फ्लावर्स एंड द प्लांट्स वाज रियली अमेजिंग। बच्चों के लिए भी उन्होंने कुछ कार्टून कैरेक्टर्स के साथ फ्लावर्स इससे बनाए हैं उनको, तो बहुत ही अच्छा है। आप सभी जो ये देख रहे हैं प्लीज़ आइएगा यहाँ पे एंड एक्सपीरियंस दिस, इट्स अमेजिंग, यू रियली लव इट। फैमिली के साथ आइए और एक्सपीरियंस करें। थैंक यू। एक्चुअली वी आर कमिंग फर्स्ट टाइम इन दिस फ्लावर फेस्टिवल एंड इट्स वेरी क्रिएटिव, बहुत अच्छा लगा मुझे। हम लोग तो सिर्फ बुके परचेज कर लेते हैं जब मैरिज में जाते हैं, और कुछ 2-4 फ्लावर्स होते हैं ऐसे जिनके हमें नाम पता होते हैं, गुलाब का फूल है, ये चमेली का है, ये इसका है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा यहाँ आकर
कि कितनी अच्छी वेराइटीज़ है फ्लावर्स की। इसके अलावा बॉम्बे जैसे कॉन्सेप्ट में जो पॉट्स के अंदर मैंने देखा है फ्रूट जो इन्होंने बनाया है क्राफ्ट करके, इसके अलावा वेजिटेबल्स का जो इन्होंने बनाया है दैट इज़ वेरी गुड। राठौर सर जो ट्री ऑफिसर हैं, सो उनको मैं थैंक्स देना चाहूँगा जो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी कि हमें यहाँ बुलाया, तो वी आर वेरी गुड एंड हैप्पी। जी मुझे तो ऐसा लगता है मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, मतलब बचपन में आई थी रानीबाग में, उसके बाद अभी आ रही हूँ, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। ये जो फ्लावर्स का एग्जीबिशन है, जो ट्री ऑफिसर्स और राठौर सर सब लोग मिलके जो जो क्रिएटिविटी वर्क है, ये अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, सच में ऐसा लग रहा है वो देखते ही रहो, यू नो। तो लेकिन टाइम के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा, पर इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। मैं तो एक ही लाइन में बोलूँगा कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है ये सब देख के, इतना बढ़िया ग्रीन सब देख के बहुत ही मज़ा आया। और बहुत मेहनत से जो बनाया है वो मेहनत दिखती है, उसकी थीम जो है कार्टून थीम है वो बहुत ही ब्यूटीफुली उसको क्राफ्ट किया है, सजाया है, बहुत मज़ा आया। हाँ जी सर, तो हम मेरी एक फिल्म आ रही है, मैं हूँ राज कपूर, मैं राज कपूर हो गया, इट्स द टाइटल ऑफ माई मूवी, जो 17 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। और यहाँ पे भी हम सब लोगों के बीच में आए, आप लोगों से हम बात कर रहे हैं, तो ये भी दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर प्रमोशन ऑल्सो, ये भी समझ सकते हैं आप। तो जाइएगा थिएटर में, ज़रूर देखिएगा, ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, गाने लॉन्च हो चुके हैं, हमने कल आर के स्टूडियो के बाहर हमने अपना सॉन्ग लॉन्च किया, राज कपूर साहब को ट्रिब्यूट किया, सो आई एम वेरी हैप्पी कि प्रमोशन अच्छा चल रहा है। सर देखिए, बचपन से तो जो फूल पसंद है वो गुलाब का ही फूल पसंद होता है, क्योंकि जब हम पहली बार हम किसी को चाहते हैं, किसी को और किसी के लिए पूछा कि भाई अब मैं कैसे प्रपोज करूं, तो हमारे टाइम पे व्हाट्सअप होता नहीं था, कोई मैसेज फैसिलिटीज होती नहीं थी, तो हम दोस्त आपस में मिलके हमें बताते थे कि एक काम करो, रेड रोज़ लेके जाओ और वो देना, तो पता चल जाएगा उसका आंसर क्या है। ये महीना भी गुलाब के फूलों का ही है वैसे देखा जाए। सो इसलिए बचपन से गुलाब का फूल पसंद है, लेकिन फूल तो सभी अच्छे हैं। जो भी सर देखिए, जो इन्होंने क्रिएटिविटी की है वो बहुत अच्छी लगी, फूलों से जो इन्होंने डिज़ाइन किए चीज़ें, इसके अलावा एक इन्होंने कुछ पॉट्स के अंदर वेजिटेबल्स वगैरह लगाए, फ्रूट्स वगैरह लगाए, वो बड़े क्रिएटिविटी लगी मुझे, क्योंकि वो तो हम मैं वो सोच भी नहीं सकता था कि हम हमारे फ्लैट में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कुछ, तो दैट इज़ गुड एक्चुअली। वैसे भी ना प्लांट्स का बहुत शौक है हमें, क्योंकि बचपन में हम जब विलेजेस में जाते थे, हमारे जो मामा मामा का घर है और रिलेटिव्स के घर हैं, सब प्लांट्स, और बंगाली कलकत्ते में तो बहुत ज़्यादा, मीन्स घर घर में आपको पॉन्ड दिखेगा, तालाब दिखेगा, प्लांट्स दिखेंगे, तो मुझे बहुत शौक है। और यहाँ पर आके जो मुझे इतना अच्छा लगा, और स्पेशली आज हम आए हैं हमारी फिल्म के प्रमोशन में, जो फिल्म का नाम है मैं राज कपूर हो गया, और इसी 17 तारीख को रिलीज़ हो रही है, 17 फेब को, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि इस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं छोटा सा फिल्म के बारे में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बोल देता हूँ। बेसिकली ये जो हमारी फिल्म है ये कमर्शियल तो है ही, आप लोगों को इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्टिंग मूवी है, लेकिन ये हमने टच टू हार्ट बनाई है। इसका जो बेसिक चीज़ वो रिलेशनशिप है, जो इंसान किसी से मोहब्बत करता है, तो आज की मोहब्बत कैसी हो गई है, एक सुबह व्हाट्सअप पे आता है आई लाइक यू, शाम को आता है लव यू, और चार दिन बाद आता है आई हेट यू, तो इस तरह की लव रिलेशनशिप हो चुकी है हमारी सोसाइटी की। तो लेकिन सच्चा प्यार आज भी है, बहुत लोगों में है, तो उस सच्चे प्यार पे, उस रिलेशनशिप के ऊपर हमारी फिल्म है मैं राज कपूर हो गया। इसमें आपको राज कपूर साहब की बहुत सारी फिल्मों की झलक देखने को मिलेगी, उनकी फिलॉसफी, उनकी फिल्में जो हैं, मैंने उन सब से इसको कंसेप्ट को उठाया है मैंने, और ट्रू इवेंट्स पे मेरी फिल्म बेस्ड है। आप लोग प्लीज़ जाइए और देखिए, आपको बहुत अच्छी रहेगी। अरे आज तो मैं आया हूँ, लेकिन इससे पहले भी आ चुका हूँ। जी जी, ये मुंबई शहर में ऐसा फ्लावर शो देख के तो यकीन नहीं होता कि बॉम्बे में है। और बहुत बढ़िया प्लांट्स है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, प्रदेशी साहब का तो मैं फ़ैन हो गया जब लास्ट टाइम आया था, तो ये लोग इनकी वजह से थोड़ी हरियाली वगैरह बॉम्बे में दिखाई देती है। एंड अब मैं चाहता हूँ कि सब लोग BMC गार्डन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करें, और जो भी कर सकते हैं हम करेंगे, पर ये खूबसूरती तो बॉम्बे में यही लाने वाले हैं। सर लेकिन आपने घर पे भी बहुत सुंदर गार्डन बना रखा है, और आपने तो जितनी फिल्मों में कश्मीर में गार्डन ही गार्डन देखे हैं, तो ये गार्डन आज बॉम्बे में देख के कैसा लग रहा है? मैं बोला ना, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। और मैं इसलिए स्पेशली आया हूँ कि मुझे मालूम था कि अच्छे अच्छे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, और फिर मेरा दिल करेगा यार ये ले लूँ, ये उठा लूँ कुछ। पहली बार मैं घर पे भी, मैं भी घर में भी मैं यही करता हूँ, माली का काम करता हूँ।
मैं प्रदेशी साहब को बोला माली रख लो मेरे को। थैंक यू प्रदेशी सर, क्या कहेंगे, रंजीत सर तो बहुत शौकीन है, इनके घर पे बहुत खूबसूरत गार्डन है टेरिस के ऊपर। मैंने सर का गार्डन खुद देखा है, बहुत बढ़िया गार्डन है। मैं आज आपके माध्यम से मुंबई करों को विनंती करता हूं कि शुक्रवार शनिवार रविवार ऐसा तीन दिन मुंबई महापालिका ने एग्जीबिशन फ्री में रखा है, तभी सभी लोग इसका लाभ ले और मुंबई में ग्रीनरी बढ़ाने के लिए मुंबई महापालिका को सहकार्य कीजिए।